झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सह पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला समाहरणालय सभागार में सभी विभागों के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा लिया। साथ ही संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक सुगमता से पहुंचाने का निर्देश दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि पिछली सरकार की विफलताओं के कारण महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकी। योजनाएं तो पास हो गईं, लेकिन उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति परियोजना के संबंध में मंत्री ने बताया कि गोविंदपुर परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। कुछ वित्तीय स्थिति खराब थी, लेकिन उनके प्रयास से उसमें सुधार कर दिया गया है। उन्होंने चाईबासा जलापूर्ति योजना में अनियमितता की शिकायत मिलने पर जेई सहित 4 अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई का निर्देश देने की बात कही। वहीं दूसरे सत्र में मंत्री ने इंजीनियरिंग विभाग की समीक्षा किए जाने की बात कही। मंत्री ने बताया कि सभी विभागों की समीक्षा के क्रम में कई खामियां भी पाई गई हैं। खासकर स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की कमी के कारण आम लोगों को हो रही परेशानियों पर उन्होंने सिविल सर्जन को सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक उपलब्ध कराने का निर्देश दिए जाने की बात कही। इसके लिए उन्होंने पारा चिकित्सकों का सहयोग लेने की भी बात कही। इस दौरान जिले के उपायुक्त सहित सभी विभागों के प्रभारी मौजूद रहे। मैंने एक समीक्षा बैठक आहूत की है और सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है। जो ज्यादा विभाग जो सीधे सीधे आम जन से जुड़े हुए हैं, उन पर विशेष फोकस किया गया है। जैसे कृषि हो, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मामले हो, सिंचाई, पेयजल, इन विभागों पर विशेष फोकस करके और सभी पदाधिकारियों से, जिले के उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मंगाकर और जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा आमजन के लिए लागू की जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ बहुत ही सरलता और सुगमता पूर्वक आम जनता को मिले, यह निर्देश हमने जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों को दिया है, उपायुक्त को दिया है कि कहीं से भी कोई जटिलता नहीं उत्पन्न कराई जाए। खास करके जो सार्वजनिक खाद्य वितरण का जो है, पीटीएस दुकानदारों की जो शिकायतें आती रहती हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए। जो धान अधिप्राप्ति, अभी जो धान की उपज हुई है, धान अधिप्राप्ति भी नियमानुकूल हो। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। बात के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस में सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में, होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।